पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की पहली पारी 275 रनों पर आउट हुई थी। इंग्लैंड की ओर से रोडी बंस ने 132 रनों की पारी खेली थी। बंस के अलावा कोई दूसरा इंग्लिश बल्लेबाज जमकर नहीं खेल पाया। इंग्लैंड की पारी के दौरान निचले क्रम के बल्लेबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने कुछ तेज तर्रार शॉट लगाने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी रहे। ब्रॉड ने 24 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाए, जिसमें एक बड़ा छक्का भी शामिल था। इस छक्के से जुड़े वाक्य ने फैंस को खूब रोमांचित किया। ब्रॉड ने जो छक्का लगाया वो गेंदबाज नील वैगनर की गेंद पर जमाया था। वैगनर की शॉट गेंद पर ब्रॉड ने पुल शॉट मारकर छक्का जमाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वैगनर ने ब्रॉड को अपनी सटीक यॉर्कर पर बोल्ड कर पवेलियन की राह दिखा दी। वैगनर की गेंद पर जब ब्रॉड ने छक्का जमाया तो कीवी गेंदबाज चौंक गया था और काफी निराश नजर आया था। ऐसे में जब गेंदबाज ने अगली गेंद पर स्टुअर्ट ब्रॉड को बोल्ड कर दिया तो वैगनर काफी खुश नजर आए और जोश के साथ इस विकेट का जश्न मनाते नजर आए। न्यूजीलैंड की तरफ से 6 विकेट टिम साउदी, 3 विकेट काइल जेमिनसन और 1 विकेट नील वैगनर ने लिया। इससे पहले खेल के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू करने वाले सलामी बल्लेबाज डेविन कॉनवॉय ने 347 गेंदों पर 22 चौकों और 1 छक्कों की मदद से 200 रनों की शानदार पारी के दम पर टीम ने 378 रन बनाए थे। दूसरी पारी में भी कॉनवॉय ने 23 रन बनाए।